हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तितिक सुएरा है, आप लोग मुझे देख रहे हैं इंटरनल सिक्योरिटी की लेक्चर सीरीज़ के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर अपन साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे थे और साइबर सिक्योरिटी के जो लास्ट लेग के अंदर अब अपन पहुंच चुके हैं। इसके अंदर जो है ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। वॉट ऑल वी विल कवर, तो सबसे पहली बात तो है वल्नरेबिलिटीज़ या फिर चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर। दूसरी बात अपन देखेंगे कि भाई इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए क्या क्या काम हुआ है, ठीक है, तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन। और तीसरी बात जो है यहाँ पर अपन देखेंगे कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, नीड वगैरह अभी अपन को और क्या क्या करने की बाकी है, ठीक है। तो दीज थ्री आस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड। सबसे पहले वल्नरेबिलिटीज़ की या चैलेंजेस की अपन बात करते हैं। तो चैलेंजेस की अगर अपन बात करें तो देखो, साइबर सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर सबसे पहला तो इशू यही आता है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। तो इस चीज़ को अपन ने पहले भी डिस्कस करा है, बट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है? तो जो मल्टीपल अलग अलग एजेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं है एक दूसरे के साथ में काम करने को लेकर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल अपन मैंने आपको बताया था CBI का और NIA वगैरह का, इनका कि भाई क्रेडिट वगैरह फिर कौन शेयर करेगा और फिर वो सारी चीज़ें किसको, सक्सेस वगैरह किसको मिलेगी और वो सब बढ़िया जो है बेनिफिट वगैरह किसको होगा। तो इन सब चीज़ों के हिसाब से जो है दे आर नॉट मच इंक्लाइंड, है ना, टू कोऑर्डिनेट और शेयर इंफॉर्मेशन और वर्क टुगेदर, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा एक ये भी चीज़ अपन को देखने को मिलती है कि जो लीडरशिप है, लीडरशिप के अंदर भी अपन को इश्यूज़ हैं। वीक लीडरशिप तो नहीं कहेंगे, लेकिन ट्विन लीडरशिप इस तरीके का कुछ इशू कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर ये है कि एक तो अपन ने जो है NTRO बॉडी, इसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये बना रखी है। अब ये जो बॉडी है, ये जो मिनिस्ट्री है, अब ये नोडल बॉडी है ना। दिस इज द नोडल बॉडी इन डिमेंशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इन डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो है इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन चलता रहता है। वो बोलता है कि मैं संभालूंगा, ये बोलता है मैं संभालूंगा, वो बोलता है मुझे बनाया, ये बोलता है तुझे बनाया होगा, लेकिन संभालने वाला तो मैं हूँ, समझ में आया। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये सब चलती रहती हैं। इन दोनों के अलावा इंडिया के अंदर देखो कोई भी कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है। कैसी पॉलिसी नहीं? कॉन्क्रीट कोई भी प्रॉपर पॉलिसी नहीं है, है ना। तो जैसे अपन ने CSP वगैरह के फेलियर्स देखे, CSP के, NEP के, इन सब के फेलियर्स देखे, तो यहाँ पर जो है कॉन्क्रीट पॉलिसी अभी तक कोई भी एक चीज़ कोई भी नहीं आई है, ठीक है। CSP 2013 फेल्ड, CSP 2020 नेवर केम्ड, NEP जो कि नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है, एजुकेशन वाली नहीं, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी कोई बहुत बढ़िया कोई काम खास यहाँ पर कर नहीं पाए इस डोमेन के अंदर। फिर इसके अलावा एक चीज़ ये है कि भाई जो लेजिस्लेटिव आस्पेक्ट है ना, लेजिस्लेटिव आस्पेक्ट के अंदर भी अपन जो है काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। लेजिस्लेटिव आस्पेक्ट के अंदर अपन ऐसे पीछे जा रहे हैं कि भाई सिर्फ एक एक्ट है, दैट इज़ IT एक्ट। इस एक्ट की भयंकर क्रिटिसिज्म होता है, इस एक्ट का भयंकर क्रिटिसिज्म, और इस एक्ट के अंदर सारी की सारी चीज़ें एड्रेस्ड भी नहीं है, फिर भी इतना क्रिटिसिज्म होता है, समझना, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या, मतलब ये भी एक खैर क्रिटिसिज्म का आस्पेक्ट है ही है, ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, तो जो है डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स हैं। बिल्कुल सही जवाब, दिस वन इशू एज वेल कि कोई भी एक्ट होता है ना, लेट्स से कि भी लेट्स डिस्कस कि जैसे पॉक्सो है, तो पॉक्सो के अंदर वेल डिफाइंड है कि चिल्ड्रन कौन है ना, माइनर कौन है, ऑफेंडर कौन हुआ, अक्यूज़र कौन हुआ, ओनस किसके ऊपर हुआ, ये सब चीज़ें पॉक्सो के अंदर डिफाइंड है। इसी तरीके का अगर कोई और जो है एक्ट हुआ, तो उस एक्ट के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड होता है कि भाई यहाँ पर मेल ये है, फीमेल ये है, इतनी तक डेफिनेशन एकदम क्लैरिफाइड होती है कि दिस इज मेल या दिस इज हस्बैंड, दिस इज वाइफ, है ना। अभी जैसे आपने अगर वो रिसेंट वो देखा हो, तो वो जो रो चल रही है उसको होमोसेक्सुअलिटी वगैरह, तो उसके अंदर भी यही बात हो रही है कि भाई हस्बैंड और वाइफ के अपन उसके ऊपर कैसे आएंगे, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ ये चीज़ यहाँ से पता पड़ती है। बट लेट से कि जो कोई भी एक्ट है, अब उस एक्ट के अंदर हर एक डेफिनेशन वगैरह होनी ज़रूरी है, तभी तो आप उस चीज़ के ऊपर आ सकते हो ना। वरना मैं आपको कहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी, नाउ यू आर वर्किंग इन NIA, यू थिंक दिस इज साइबर सिक्योरिटी, यू थिंक कि भाई सेविंग पानीपुरी वाला ही साइबर सिक्योरिटी। आई एम वर्किंग इन CBI, आई थिंक कि नहीं सेविंग पिज्ज़ा वाला ही साइबर सिक्योरिटी, समझ में। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स तो आएगी और आती भी हैं।
तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए, मतलब मेजॉरिटी, ये देखो ये कॉमन क्रिटिज्म होता है काफ़ी सारे एक्ट्स वगैरह के अंदर आता है, ठीक है, कि डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, डेफिनेशंस वगैरह क्लियर नहीं है. व्हाट इज़ साइबर हैकिंग, व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है. उसके अलावा व्हाट इज़ टेररिज्म, व्हाट इज़ वॉरफेयर, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट. अब ये सब मैंने तो आपको ठीक है एस्पेक्ट्स वगैरह डेफिनेशंस वगैरह बता दी, ये तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशंस है, ये तो जो अकेडमिशंस वगैरह ने कही वो सारी डेफिनेशंस है. इनके अंदर वो तो चीज़ें क्लियर नहीं है ना, जो मतलब लॉ क्या बोल रहा है, व्हाट डज लॉ सेज अबाउट साइबर वॉरफेयर. लॉ डजेंट से एनीथिंग, इट इज़ नॉट मैंशनड एनीवेयर, समझ में आया. तो डेफिनेशनल आस्पेक्ट, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बस ये है प्राइमरी जो चैलेंजेस और वल्नरेबिलिटीज हैं वो सारी यही हैं. इनके अलावा तो जैसे अगर आप देखो तो अगर कुछ एक सर्टन सक्सेसेस अपन देख लें, कि भी कुछ एक सर्टन जो भी अपन ने स्टेप्स वगैरह लिए हैं, तो उसके अंदर कुछ एक लिमिटेड सक्सेस अपन को मिली है. लिमिटेड सक्सेस के अलावा अपन को बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं अपन. लिमिटेड सक्सेस का यहाँ पर क्या मतलब, लिमिटेड सक्सेस का मतलब कि जैसे कि सर्ट हो गया, तो सर्ट ने ठीक है बढ़िया काम करा, साइबर डोम जो है साइबर डोम का ठीक है इन्होंने बढ़िया काम करा, है ना, ठीक है. लेकिन इसके अलावा लार्जली इतने सारे जो अपन स्वच्छ और ये और वो इतने सारे जो अलग अलग एफर्ट्स वगैरह लेकर आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोई दे डिडेंट पैन आउट, है ना, डैट मच. इसके अलावा क्या चीज़ है, इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, दैट इज़ चाइनाज ग्रोइंग एम्बिशंस, है ना. तो चाइना के बारे में आपने सुना होगा कि भाई इन्होंने एक क्वांटम सैटेलाइट बना लिया है, और ये जो है दुनिया का पहला सैटेलाइट है ना, क्वांटम सैटेलाइट. अभी तक अपने यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह ये सब के बहुत ज़्यादा जो है उस तरीके से आया भी नहीं है. यूएस के अंदर ठीक है ना, चाइना के अंदर तो भाई उन्होंने सैटेलाइट ही बना दिया, ठीक है. तो उस लेवल के ऊपर ये चीज़ आ, तो वो उस लेवल का फिर वॉरफेयर भी कर सकते हैं, समझ में. वन थिंग, द अदर थिंग इज वहाँ पर पूरा का पूरा साइबर वगैरह से पूरा पूरा वहाँ पर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप है, एंड दे आर रेडी कि कल की तारीख में अगर वॉर छिड़ जाती है किसी भी कंट्री के साथ में, है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूएस, बल्कि किसी भी एक्स वाई जी कंट्री के साथ में अगर वॉर छिड़ जाती है, तो दे आर रेडी टू टेक इट ऑन अनदर लेवल, ऑन द लेवल ऑफ साइबर वर्ल्ड, साइबर स्पेस, समझ में. तो उसके ऊपर भी वो उसको ले जा सकते हैं, दे हैव दिस कैपेबिलिटी, बट वी डू नॉट हैव दिस कैपेबिलिटी टू फाइट दैट वॉर. अपने पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर ऐसी कोई वॉर होती है तो अपन उसको उससे लड़ सकते हैं, समझ में. गुड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अंदर अपन ने क्या क्या काम करा है, इन आस्पेक्ट्स की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पे कुछ एक कन्वेंशंस वगैरह आते हैं. देखो ये जो है रटने वाली चीज़ें हैं, अब इसमें मैं कोई बहुत ज़्यादा आपको जो है परम ज्ञान तो बांट नहीं सकता हूँ, ये रटने वाली चीज़ें हैं. और लार्जली जो चीज़ें हैं मतलब खाली आप इनको देख के, और फिर इसके अगर आप सोचोगे कि भाई बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है एक्सप्लेनेशन वगैरह ढूंढें या कुछ कारण वगैरह ढूंढें, तो आपको बहुत ज़्यादा पर्पसफुल नहीं होगा, समझना, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. फर्स्ट इज बुडापेस्ट, बुडापेस्ट कन्वेंशन, ठीक है. बुडापेस्ट कहाँ पर है, ये हंगरी के अंदर एक जगह है, ठीक है. तो बुडापेस्ट कन्वेंशन, बुडापेस्ट कन्वेंशन के अलावा जो है इसके अलावा अपन एक जो है यूनाइटेड नेशंस है, यूनाइटेड नेशंस की एक मतलब उन्होंने अंदर ही अपने जो है एक स्पेशलाइज एजेंसी या फोरम टाइप बनाया है, ठीक है. तो उस फोरम का नाम है इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इसको आप याद कर सकते हो. इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहाँ पर है, यूनेस्को के अंदर है ना, यूनेस्को के अंदर काम करते हैं. देखो लार्जली जितनी भी स्पेशलाइज एजेंसीज है वो इसी ऑर्गन में है, यूनेस्को में ही है, ठीक है. तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इसको याद कर सकते हो. अब इन्होंने रिसेंटली जो है एक इनिशिएटिव वगैरह भी ये लेकर आए थे, दैट वाज पेरिस कॉल, है ना, पेरिस कॉल. तो ये पेरिस कॉल को भी आप देख सकते हो, दिस इज पेरिस कॉल, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस यूनेस्को का ही, यूएन का ही एक जो है एक आस्पेक्ट और है, दैट इज ITU. ITU के बारे में आपने शायद सुना होगा, तो दिस इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन. ये प्रोमिनेंट जो है बॉडी है, ये भी एक स्पेशलाइज बॉडी है, ये तो चलो ठीक है फोरम हो गया, लेकिन ये एक स्पेशलाइज बॉडी है. और ये जो बॉडी है ये वैसे टेलीकम्युनिकेशंस के
आस्पेक्ट्स में उनमें भी उनके डोमेन में भी काम करती है, प्लस साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी काम करती है। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी ये काम करती है। तीन चीज़ें अपन ने देख ली, बुडापेस्ट कन्वेंशन देख लिया। बुडापेस्ट कन्वेंशन जो है कॉपीराइट और चाइल्ड पोर्नो और इन सब चीज़ों से डील करता है। इसके अलावा जो है अपन ने IGF देख लिया, ITU देख लिया, है ना। इसके अलावा एक कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन भी अपन जो है साइन कर चुके हैं, कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन। कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन की अगर अपन बात करें तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के बारे में आपको पता ही होगा, ये वो सारी कंट्रीज़ है जो कि एक टाइम पे ब्रिटिश से रूल्ड थी, ब्रिटिश जिसे रूल किया करते थे, ठीक है। तो वो सारी के सारी कंट्रीज़ हैं, बढ़िया मैप बहुत ज़ोरदार है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हो। तो ये जो है, ये कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ है इन्होंने एक जो है डिक्लेरेशन वगैरह साइन करा था साइबर सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर, ये भी ठीक है, बढ़िया है। साइबर स्पेस के कॉमन जो है कोऑपरेशन वगैरह के ऊपर, और इसकी काफ़ी तारीफ हुई थी कि भाई ये अभी तक का सबसे बिगेस्ट इस तरीके का इंटर गवर्नमेंटल डिक्लेरेशन है जो कि जो है साइबर स्पेस के डोमेन में है। इतना बड़ा डिक्लेरेशन आज तक किसी भी जो है ग्रुप का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अभी तक हुआ नहीं है। इसके अलावा ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी है, तो ये ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी इसके हेडक्वार्टर्स जिनीवा के अंदर है, ठीक है। ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, अब इसके हेडक्वार्टर्स में क्यों बता रहा हूँ, इसके हेडक्वार्टर्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो है प्री में क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन प्री में फिर भी आ सकते हैं। तो वहाँ पे जो है ऐसे तो नहीं पूछेंगे कि ग्लोबल सेंटर साइबर सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इडियोटिक बात होगी, ठीक है। लेकिन जो है तीन चार स्टेटमेंट होंगे, हो सकता है दो ही स्टेटमेंट हो, है ना, बड़े होंगे थोड़े, बट ऑब्वियस बड़े स्टेटमेंट होंगे, और उसके अंदर इस तरीके से पूछ सकते हैं कि भाई वन और टू, है ना, 1 2 3, या फिर नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है, इस तरीके कुछ स्टेटमेंट वगैरह, इस तरीके कुछ ऑप्शन वगैरह आ सकते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनीवा के अंदर है ना, ग्लोबल सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये चीज हो गई। तो व्हाट ऑल डिड वी स्टडीड, वी स्टडीड बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन के अलावा यूनाइटेड नेशन की जो IGF इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इन्होंने जो पेरिस कॉल करके एक ये इनिशिएटिव वगैरह चालू करा था, इसे अपन ने देख लिया। उसके अलावा अपन ने जो है इंटर गवर्नमेंटल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, इसे अपन ने देखा। टेली कम्युनिकेशन के तो आस्पेक्ट में काम करता ही है, प्लस साइबर स्पेस के साइबर सिक्योरिटी के आस्पेक्ट्स में भी काम करता है। इसके अलावा वी स्टडीड कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन, ठीक है, और कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन जो है साइबर स्पेस के अंदर अभी तक का बहुत बड़ा वाला है। तो अब इसमें देखो, अब ये सब चीज़ें अगर आप नोट्स में भी लिखते हो तो इट इज़ ऑफ नो पर्पज़, नो यूज़, है ना, क्योंकि इतनी वहाँ पर जगह नहीं मिलेगी। मैक्सिमम से 2015 में एक क्वेश्चन आया था, आज मैं कुछ एथिक्स वगैरह पढ़ रहा था तो मैं उस क्वेश्चन को देख रहा था, ये क्वेश्चन आपको बता दूँ, ठीक है। देन यू टेल मी कि भाई मैं आपको, मतलब मैं आपको कोई चीज़ पढ़ाता हूँ ना तो बहुत लॉजिक वगैरह कुछ लगा के पढ़ा दो। ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। तो पब्लिक सर्वेंट्स आर लाइकली टू कन्फ्रंट विद द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड हाउ डज इट मैनिफेस्ट इन द डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के अंदर कैसे मैनिफेस्ट करता है। इट फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट, इफ फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन हाउ वुड यू रिजॉल्व इट। तो कैसे आप रिजॉल्व करोगे इसको। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी पूछ रखे हैं। तो ये चार चीज़ें दे रखी हैं, एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, डिसीजन मेकिंग के अंदर बताओ, रिजॉल्व करने का बताओ, और एग्जाम्पल भी बताते चलना, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन के लिए आपको कितने पेज चाहिए होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर ही कम से कम तीन क्वेश्चन है, ये एक, ये दो और ये तीन। तो तीन क्वेश्चन तो एटलीस्ट है ही है, प्लस एक स्टेटमेंट अलग है, ठीक है। तो आपको इसके लिए कम से कम कितने पेज चाहिए होंगे। कम से कम भी ठीक है यार, तीन पेज तो लगेंगे ही, अगर एक को एक पेज के अंदर भी उतारें या जिस हिसाब से करें। यहाँ पे टोटल दो पेज दिए, 150 वर्ड्स, ये 10 mm का क्वेश्चन है, 150 वर्ड्स। तो इस तरीके की चीज़ें जो है यूपीएससी कई बार करता है। यूपीएससी कई बार ऐसी चीज़ करेगा कि आपको जो है एक क्वेश्चन देगा 15 mm का, 250 वर्ड्स का, और उसके अंदर बस एक ही लाइन होगी, लिखते चलो, है ना। कई बार ऐसा होगा कि भाई जो है 150 वर्ड के जो है क्वेश्चन देगा और उसके अंदर जो है इतनी लाइनें होंगी कि आप परेशान हो जाओगे कि सवाल इतना बड़ा है, सवाल के अंदर ही 100 वर्ड हो गए, बाकी तो हम क्या निकाले ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, तो दिस इज दिस, फिर क्या है,
तो ये जो है, इन सब के बारे में मैंने कुछ एक आपको हल्की हल्की चीज़ें बताई, इसलिए बताई ताकि आपको याद करने में थोड़ी इजी रहे, है ना। याद करने में आपको बहुत ज़्यादा रटने के अंदर ऐसा नहीं लगे कि भाई यार ठीक है अपन ने, हमने जो है नाम सुन लिए थे। मतलब मैं डिक्टेशन वगैरह के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई हमने नाम सुन लिए थे और हम आगे बढ़ गए, है ना। तो हमने पढ़ा है इन सब चीज़ों को, तो पढ़ा है तो ये सब चीज़ें देख ली है और इनको अब आपको याद करना है। नेक्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर आते हैं, ये तो चीज़ हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कि वे फॉरवर्ड, अब अपन और क्या कर सकते हैं, है ना, क्या और किया जा सकता है इन जो है रिलेटेड चीज़ों के एस्पेक्ट्स में, इन सब चीज़ों के जो है रिगार्ड में। तो जैसे कि एक चीज़ तो है कि भाई आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की और ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये तो कोई भाई स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा मेजर्स तो हुए नहीं, तो हल्की फुल्की फालतू की बात है, ठीक है। तो एक तो आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, है ना, ठीक है। तो कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, ठीक है, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, साइबर कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है। इसके अलावा प्रॉपर लॉ वगैरह लाने की ज़रूरत है, तो प्रॉपर लेजिस्लेटिव मेजर्स वगैरह की ज़रूरत है, जहाँ कहीं भी अपन लैग कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉपर लेजिस्लेटिव मेजर्स वगैरह की ज़रूरत है। और जो है एक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस भी किस में, जनरल पब्लिक के अंदर जो रिलेटेड साइबर क्राइम्स वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग, समझ में आया। लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं है कि भाई ठीक है स्टॉकिंग हो रही है, बुलिंग हो रही है, स्पैमिंग हो रही है, क्या है वायरस, क्या है वर्म, क्या है ये, क्या है वो, क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होना चाहिए, समझ में आया। तो दिस अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, वरना क्या होगा कि भाई लोग ऐसे ही अटैक होते रहेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया है, तो स्टेट का काम था, तो आपका भी तो कुछ काम होता ना। जैसे अभी जो है प्राइम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वी नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज़। राइट्स 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 अपन करते रहे, ड्यूटीज़ 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 पे अपन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो नाउ ये अमृतकाल वगैरह के अंदर हमको जो है ड्यूटीज़ के ऊपर भी फोकस डालने की ज़रूरत है। फिर उसके अलावा और क्या चीज़ है, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह हो गया, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हो गया, है ना, और अवेयरनेस वगैरह हो गया, AI, ये बहुत एक बढ़िया चीज़ है। वी कैन यूज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टू प्रिडिक्ट एज वेल एज एनालाइज द यू नो क्वांटिटी और द पॉसिबल अमाउंट ऑफ थ्रेट। अब अमाउंट भी कोई सही वर्ड नहीं होगा, वॉल्यूम आप कह सकते हो, ठीक है, वो एकदम एग्जैक्ट नहीं आ रही चीज़, टैलेंट कह सकते हो, टैलेंट इज अ वेट ऑफ, टैलेंट इज अ यूनिट ऑफ वेट, तो ठीक है। तो एक जो है AI का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी जैसे जो है चैट बॉट वगैरह काफ़ी सारे अलग अलग चल रहे हैं, है ना, चैट GPT वगैरह, तो उन सब का और भी, अब वो चैट GPT तो चलो ठीक है बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, लेकिन और काफ़ी सारे अपन जो है मल्टीपल अलग अलग तरीके के जो है AI वगैरह को एम्प्लॉय कर सकते हैं, और वो एम्प्लॉय वो AI जो है वो अपन को प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं कि भाई इस टाइम पे अटैक हो सकता है, इस जगह पे अटैक हो सकता है, ये एरियाज़ आपकी वल्नरेबिलिटी के हैं, इन इन एरियाज़ को आपको कवर कर लेना चाहिए, समझ में आया। तो AI के अपन यहाँ पे टेक्नोलॉजी की काफ़ी बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। तो वे फॉरवर्ड के अंदर यही चीज़ें हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के ऊपर फोकस करें, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग के अलावा लेजिस्लेटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है, प्रॉपर लॉ वगैरह लाने की ज़रूरत है, जनरल पब्लिक को अवेयर करने की ज़रूरत है कि व्हाट आर साइबर क्राइम्स, व्हाट आर साइबर अटैक्स, व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा AI का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जो थ्रेड्स हैं उन्हें एनालाइज करने में और उन्हें प्रिडिक्ट करने में, समझना, ठीक है। तो दिस इज़ वे फॉरवर्ड। तो वॉट ऑल वी स्टडीड, वी स्टडीड की सबसे पहले तो चैलेंजेस या वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, तो यहाँ पर अपन ने देखा लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इशू है, ठीक है, तो NTRO और MeitY के बीच में। इसके अलावा अपन ने देखा कि कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं है, CSP और NEP दोनों ही फेल हो गए, इसके अलावा कोई अभी तक तो कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी नहीं आई है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव मेजर्स के अंदर अपन ने देखा कि IT एक्ट जैसे है, तो IT एक्ट बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, और कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसके अंदर जो बाकी की डेफिनेशन वगैरह एक एक डेफिनेशनल आस्पेक्ट्स हैं वो कवर किए गए हों, है ना। लिमिटेड सक्सेस के बारे में अपन ने देखा कि सर्ट और साइबर डोम वगैरह ये दो तीन प्रोजेक्ट्स के अलावा, इन दो तीन इनिशिएटिव्स के अलावा बहुत ज़्यादा अपन को सक्सेस नहीं मिली है। चाइना के बारे में अपन ने देखा कि भी चाइना के एम्बिशंस जो है, चाइना इज ग्रोइंग एम्बिशंस, और चाइना के एम्बिशंस के साथ में अपन को जो है
अपन को भी उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन के आस्पेक्ट के अंदर अपन ने बूडापेस्ट कन्वेंशन देखा, बूडापेस्ट कन्वेंशन के अलावा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेट गवर्नेंस फोरम देखा, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का पेरिस कॉल देखा, इंटर गवर्नमेंटल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन देखा, ये साइबर स्पेस के अंदर साइबर सिक्योरिटी में भी काम कर रहा है इसे देखा, कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन देखा है ना, और कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन के अलावा अपन ने जो है ग्लोबल सेंटर ऑन साइबर सिक्योरिटी देखा जिसका हेडक्वार्टर जिनीवा के अंदर। एट लास्ट अपन वे फॉरवर्ड के ऊपर आ गए थे और ये वे फॉरवर्ड अपन ने डिस्कस कर लिया। आई होप दिस वीडियो वॉज अप टू योर लाइकिंग। If you found this video informative, please don't forget to press the like button. If the video was not up to the mark or up to then you can also press that unlike button or whatever that thumbs down thing. ठीक है, उसके अलावा क्या है, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स है ना, कमेंट्स, फीडबैक, पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाटएवर, प्लीज डू फील फ्री टू कमेंट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू डोंट थिंक कि भाई नहीं हमको यहाँ पे कमेंट नहीं करना, हमको यहाँ पे लाइक नहीं करना, कोई इशू की बात नहीं है, आप जो है मुझे टेलीग्राम के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझे टेलीग्राम में लिखेंगे या फिर यहाँ पे कमेंट करेंगे या फिर लाइक करेंगे तो उससे मुझे ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ ठीक है, दीज क्लासेज आर वर्थ वाइल, दे आर गोइंग फाइन एंड दे शुड बी कंटिन्यूड है ना, वरना फिर मुझे ऐसा लगेगा कि क्या पर्पज, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो आई ऑल्सो नीड सम काइंड ऑफ मोटिवेशन, दिस इज जस्ट फॉर मोटिवेशनल पर्पजेज, नथिंग एल्स। ठीक है, और क्या है, और उसके अलावा जो है रिलेटेड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है कुछ प्लेलिस्ट वगैरह मिल जाएगी, अगर आपने पिछले लेक्चर्स वगैरह नहीं देखे हैं तो कुछ, और एथिक्स की मेरी अभी क्लासेस चल रही है, लेक्चर चल रहे हैं, तो इसके बाद मैं वैसे एथिक्स को रिकॉर्ड करने वाला हूँ तो उसको भी आप जाके देख सकते हो। एथिक्स के अलावा सोशियोलॉजी के ऊपर, सोशियोलॉजी में स्टार्ट करने का है, ठीक है, तो ये अपना इसका लास्ट लेक्चर था वैसे भी, तो सोशियोलॉजी अब स्टार्ट करने का है, तो सोशियोलॉजी के अंदर जिस किसी का भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, ठीक है, वो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम के ऊपर लिखें, आई विल बी मोस्ट थैंकफुल। क्यों, क्योंकि आई एम थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग लाइव क्लासेस एयर, तो अभी वो मैं 16 तक एक कोई स्टूडेंट है उन स्टूडेंट के लिए मैंने होल्ड कर रखा है, तो अभी जो है 16 के बाद जब कभी भी जिस भी हिसाब से देखते हैं, और मेरे भी कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह कुछ एक चल रहा है, तो ये जो है लाइव क्लासेस वगैरह के बारे में सोच रहा हूँ गूगल मीट्स के ऊपर, दे विल बी कम्प्लीटली फ्री, और उनको फिर बाद में अपन यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड कर देंगे, लेकिन वो एक लाइव का जो इंटरेक्शन वगैरह होता है, जो क्वेश्चंस होते हैं और जो एक लाइवली एनवायरमेंट होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। अगर किसी का जो है ऐसा कोई प्लान है कि भाई लाइव क्लासेस वगैरह में अगर किसी को इंटरेस्ट है, दे आर कम्प्लीटली फ्री, यू कैन ज्वाइन दैम। ओनली 3 कंडीशंस आर देयर, फर्स्ट इज़ कि भाई आपको फीडबैक वगैरह शेयर करना है, सेकेंड चीज़ ये है कि अगर मैं कोई सवाल वगैरह पूछूँ तो आपको बराबर रिस्पॉन्ड वगैरह करना है, रिप्लाई वगैरह देना है, और थर्ड चीज़ एक और थी, हाँ, नोट मेकिंग और रिवीजन वगैरह आपको खुद से करना है। रिवाइज मैं करवाऊंगा ही, वैसे तो डेली वगैरह जो मैं करवाता हूँ, बट बाकी वीकली, मंथली वगैरह वो सब चीज़ें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह वो सब तो करना ही है, टेस्ट वगैरह लगाना ही है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। और सोशियोलॉजी के बारे में आपको बता रहा था, अगर कोई भी सोशियोलॉजी ऑप्शन लाइव क्लासेस के अंदर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ डू टेल मी ऑन टेलीग्राम। और उसके अलावा बाकी भी अगर आपके कुछ भी जो भी आपके ओपिनियंस वगैरह हो, प्लीज़ डू शेयर दें। थैंक यू।